जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म स्वास्थ्य। दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम बातें करने वाले हैं श्रावण मास की गणेश चतुर्थी के बारे में। जी हां दोस्तों, श्रावण मास की गणेश चतुर्थी कब पड़ रही है, श्रावण मास की गणेश चतुर्थी की शुभ पूजा मुहूर्त क्या है एवं श्रावण मास की गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों श्रावण मास में गणेश चतुर्थी का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दोस्तों श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। श्रावण मास में गणेश जी के माता पिता को अत्यंत ही प्रिय है। जहां भगवान शिव की पूजा सोमवार को की जाती है, वहीं माता मंगला गौरी की पूजा श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। ऐसे में श्रावण कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा बहुत ही लाभकारी होती है। दोस्तों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी आती है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और यश प्राप्त होता है, गणपति संकट दूर करते हैं। इसलिए इस व्रत को करने से दोस्तों जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। तो आइए जानते हैं श्रावण के संकष्टी चतुर्थी की पूजा का महत्व। दोस्तों जहां तक बात करें संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त एवं तिथि, तो दोस्तों चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 27 जुलाई सुबह 2:54 से प्रारंभ हो रहा है और उसका समापन 28 जुलाई को 2:29 तक समाप्त हो जाएगा। श्रावण संकष्टी चतुर्थी की व्रत विधि के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इसके लिए प्रातः काल दोस्तों सुबह में जल्दी उठे, उसके बाद दोस्तों इस दिन विशेष रूप से आप लाल रंग का वस्त्र धारण करना ना भूले, घर के मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कर गणेश भगवान की मूर्ति रखें और दीप जलाएं। दीप जलाकर व्रत का संकल्प ले और गणेश जी को सिंदूर लगाकर दुर्वा जरूर अर्पित करें। फिर गणेश को आरती के बाद मोदक का भोग लगाएं, जिससे गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जहां तक बात करें संकष्टी चतुर्थी की पूजा सामग्री की, तो पूजा में पंचामृत, चंदन, लाल गुड़हल का फूल, दुर्वा, कुमकुम, अगरबत्ती और धूप आदि शामिल करें। दोस्तों गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। संकट दूर करने की बजाय इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों आइए इस संकष्टी चतुर्थी श्रावण मास की गणेश चतुर्थी में हम भगवान का गणेश का स्मरण करें और मन ही मन उनकी कामना से हमारे सभी बिगड़े काम बने, ऐसी भावना के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।